अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं जनाब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आपने छुट्टियां गुजारी होंगी, इंजॉय किया होगा। आप भी खैरियत से होंगे, आपके वालिदैन बहन भाई भी खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। और अब तो आप थक चुके होंगे ना, बहुत ऐशी कर ली है। अब फर्स्ट ईयर तो उससे आपकी जान छोड़ गई, अब जनाब अब सेकेंड ईयर। देखिए टाइम बहुत थोड़ा है और इम्पॉर्टेंट ये है कि अब सारी FSC जो है वो आपकी सेकेंड ईयर के ऊपर डिपेंड करती है। देखिए पहले तो ये होता था कि फर्स्ट ईयर में आपको अलग मेहनत करनी पड़ती थी और फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में अलग। अब फर्स्ट ईयर से तो आपकी जान छूट गई, वो तो जब इंटरेस्ट आएगा फिर उस हिसाब से आपको गाइड किया जाएगा। अब सेकेंड ईयर जो है ये आपके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है, चूंकि सारा FSC का वेटेज जो है वो आपकी सेकेंड ईयर के ऊपर। यानी जितने आप सेकेंड ईयर में नंबर लेंगे उतने ही आपके फर्स्ट ईयर के ऐड होंगे। अगर आप सेकेंड ईयर में 95% ले लेते हैं तो फर्स्ट ईयर के भी 95% ऐड होते हैं। सेकेंड ईयर में 90% लेते हैं तो फर्स्ट ईयर के भी 90% ऐड होंगे। सेकेंड ईयर में 50% लेते हैं तो फर्स्ट ईयर के भी 50%। अब ये सारे का सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाह रहे हैं। तो हम तो आपके लिए बड़े परेशान हैं कि बच्चों को जो है लाया जाए स्क्रीन के ऊपर, उनको पढ़ाया जाए, उनको गाइड किया जाए और ताकि उनके जो है दिन जाए ना। देखिए जुलाई स्टार्ट हो गया, नॉर्मली ये होता है कि हम सेकेंड ईयर की जो क्लासें जो है वो स्टार्ट कर देते थे यकम जून से, नॉर्मली आम सेशन। अब जून गुजर गया है, जुलाई जो है तकरीबन गुजरता जा रहा है, अब अगस्त स्टार्ट होने वाला है कुछ दिनों के बाद। तो हम चाह रहे हैं कि मज़ीद आपका हम टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि आपने बहुत रेस्ट कर ली, अब आपका दिल नहीं कर रहा होगा, आप थक चुके होंगे, अब पढ़ने का बड़ा दिल कर रहा होगा आपको। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि जनाब अब से पढ़ाई शुरू करें। तो सेकेंड ईयर देखें फर्स्ट ईयर की नस्बत थोड़ी सी मुश्किल है, मैं बायोलॉजी के हवाले से बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर जो है वो आसान है, सेकेंड ईयर जो है वो बायोलॉजी मुश्किल है। तो इसलिए आपको हम अलर्ट कर रहे हैं कि अभी से काम शुरू कर दें, तैयारी शुरू कर दें, पढ़ना शुरू कर दें। तो अब हम थोड़ी सी आउटलाइन की तरफ आते हैं कि सेकेंड ईयर में हमने क्या पढ़ना है। चूंकि फर्स्ट ईयर में आपने 14 चैप्टर पढ़े, 14वां चैप्टर तो आप उससे बड़े एलर्जिक थे, याद है ना? अब जान छूट गई है जनाब, ठीक है। और अब जनाब हम सेकेंड ईयर में आएंगे चैप्टर नंबर 15, ठीक है। चूंकि 14 चैप्टर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ ली, अच्छा जी, चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हम होम्योस्टेसिस को, और इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन और थर्मोरेगुलेशन, ये इसके सब चैप्टर्स। इसी तरह आगे आ जाए चैप्टर नंबर 16 स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट, और स्पोर्ट एंड मूवमेंट में हम पहले प्लांट का पोर्शन, सेकेंड ईयर में ये है कि प्लांट का पोर्शन पहले है और एनिमल का पोर्शन बाद में। ज्यादातर से इंटरेस्टिंग ये है कि ज्यादातर सेकेंड ईयर में एनिमल का पोर्शन, ज्यादातर जूलॉजी का पोर्शन, बॉटनी का नहीं है, प्लांट का नहीं, क्योंकि प्लांट का पोर्शन थोड़ा सा मुश्किल होता है, एनिमल का पोर्शन थोड़ा सा आसान होता है, और ज्यादातर ये मैन से रिलेटेड है वो आपके लिए। और यही है जो आपको आगे जो है एंटी टेस्ट में काम देगा, और यही है पोर्शन सेकेंड ईयर का जो आपको आगे मेडिकल में काम देगा, क्योंकि सारा एनिमल से रिलेटेड है, खासतौर पर ह्यूमन पोर्शन, यानी जो आपने आगे जो है जाके मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है। और ज्यादातर वेटेज जो एंटी टेस्ट का आता है आपको पता होना चाहिए सेकेंड ईयर, वो सेकेंड ईयर से होता है। तो इसलिए जनाब आप अपने आप को तैयार करें हर तरह से, साथ साथ एंटी टेस्ट के वजह से भी आपको गाइड किया जाएगा ताकि वो भी आपके साथ साथ प्रिपरेशन हो जाए। अच्छा जी, उसके बाद जनाब आ जाए चैप्टर नंबर 17 पे हम आते हैं कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसमें कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड चीजें होंगी और इसमें न्यूरॉन, ब्रेन और हार्मोन्स, ये सारी चीजें हम जो है इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाए जनाब चैप्टर नंबर 18 रिप्रोडक्शन। इसमें हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को पढ़ेंगे और उनकी फर्दर जो भी डिटेल होगी वो साथ साथ आपको बताया जाएगा। चैप्टर नंबर 19 जो है ये है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है ये थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है, खासतौर पर इसमें डेवलपमेंट ऑफ चिक जो है ये थोड़ी सी मुश्किल भी है और इम्पोर्टेंट भी है, खासतौर पर जब आपके मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद आ जाए चैप्टर नंबर 20 क्रोमोसोम्स एंड DNA। क्रोमोसोम
एंड डीएनए जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खासतौर पर एंटी टेस्ट के हवाले से, चूँकि डीएनए पोर्शन आप फर्स्ट ईयर में सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, क्रोमोसोम का जिक्र थोड़ा बहुत चैप्टर नंबर फोर में भी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे डिटेल जो है वो इसकी मौजूद है कि क्रोमोसोम क्या होते हैं, कि कितने टाइप्स हैं, किस किस ने इसको स्टडी किया, और डीएनए क्या होता है, किस तरह हेरिडिटी मटीरियल बना, और किस तरह जो है इसके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हुए। अच्छा जनाब, उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 21 सेल साइकिल। सेल साइकिल जो है इसमें हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन। देखिए ये चैप्टर आप वैसे नाइन्थ में भी पढ़ चुके होंगे या टेंथ में पढ़ चुके होंगे, जिसमें माइटोस मियोसिस मौजूद है। ये उस वक्त तो आपको बड़ा मुश्किल लगा होगा चैप्टर, लेकिन आप इंशाल्लाह आपको मुश्किल नहीं लगेगा, आपको इंशाल्लाह हर चीज़ बोर्ड पे समझा देगी और जाएगी, और इंशाल्लाह ये आपको फर क्लियर हो जाएगा। सबसे आसान तरीन चैप्टर है, यानी मैट्रिक में आपको मुश्किल लगता था लेकिन इधर आपको सबसे आसान लगेगा। उसके बाद जनाब आ जाए चैप्टर नंबर 22 जेनेटिक्स एंड वेरिएशन। ये चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एफएससी के लिहाज से भी और एंटी ट्रस्ट के लिहाज से, क्योंकि जेनेटिक का पोर्शन जो है ये काफ़ी होता है इसमें, तकरीबन जो है वो 10 एमसीक्यूज होते हैं जो मौजूद होते हैं इस चैप्टर में से एंटी ट्रस्ट में। उसके बाद जनाब चैप्टर नंबर 23 है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम इसको रिकवरेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इसके इसके ऊपर ज़्यादातर फोकस होता है, जिसमें हम डीएनए को देखते हैं, जिसमें हम जनाब जो है वो प्राइमर्स देखते हैं, जिसमें हम ये आपकी जो पीसीआर हो रही है चीज़ें देखते हैं, तो बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जिनको हम टाइम के लिहाज स्टडी करेंगे। ये आपको जस्ट आउटलाइन दी जा रही है। अच्छा जी आगे आते हैं चैप्टर नंबर 24 ये एवोल्यूशन से रिलेटेड, इसमें हम एवोल्यूशन के बारे में वही जो आपने पढ़ा होगा नाइन टेंथ में कहीं लमार डार्विन वगैरह और हार्डी वेनबर्ग थ्योरम, इसको हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 25 ये है इकोसिस्टम। ये सबसे आसान तरीन चैप्टर है इस बुक का, इसमें वही बेसिक चीज़ें जो आप पढ़ चुके हैं पॉपुलेशन कम्युनिटी इकोसिस्टम बायोस्फीयर वगैरह फूड चेन फूड वेब नाइट्रोजन साइकिल वगैरह वगैरह ये चीज़ें इसमें आप पढ़ेंगे। अच्छा जी उसके बाद आ जाए चैप्टर नंबर 26 मेजर इकोसिस्टम्स। पाकिस्तान के जो मेजर इकोसिस्टम हैं उनको यहाँ पर पढ़ेंगे, जैसे एक्वाटिक इकोसिस्टम है, टेस्टल इकोसिस्टम है, टेस्टल इकोसिस्टम की फर्दर टाइप्स हैं, ये चीज़ें इंशाल्लाह हम इधर पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 27 में ये लास्ट चैप्टर होगा मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, इसको हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं, उससे रिलेटेड है ये। और इसमें हम जो है वो रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं, रिसोर्सेज क्या हैं, कौन कौन से हैं, रिन्यूएबल क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं, और इसके साथ साथ हम पोल्यूशन की बात करेंगे जिसमें वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, एसिड रेन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है और ओजोन डिप्लीशन। तो ये जनाब डियर स्टूडेंट्स ये हमारी एक जो सेकेंड ईयर की बुक है ये उसके चैप्टर्स हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और बड़े डिटेल में पढ़ेंगे, डायग्राम भी बनाएंगे, साथ साथ आपको जो है लेक्चर के साथ साथ असाइनमेंट भी दी जाएंगी और वो आपसे दोबारा दी भी जाएंगी और टेस्ट भी हमारे साथ साथ चलते रहेंगे। तो हम चाह रहे हैं कि हम टाइम से स्टार्ट करें आपकी क्लासेस, चूँकि ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं, ताकि ये सारा जो इतने बड़े चैप्टर्स हैं और बताया तो आपको लग रहे हैं कि ये 13 चैप्टर, फर्स्ट ईयर में 14 चैप्टर थे, सेकंड ईयर में 13 चैप्टर हैं, लेकिन ये चैप्टर बड़े बड़े हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन कंट्रोल बहुत बड़ा चैप्टर है, पहले 3 चैप्टर बहुत बड़े हैं, उसके बाद जेनेटिक्स वाला चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर, बायोटेक्नोलॉजी बहुत मुश्किल चैप्टर है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, इसी तरह एवोल्यूशन जो है ये भी एक इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। तो ये यानी आपको सेकेंड ईयर में वैरायटी मिल रही है, वैरायटी ऑफ चैप्टर्स है, सारी फिजियोलॉजी भी है इसमें, जेनेटिक्स भी है, क्रोमोसोम भी है, बायोटेक्नोलॉजी भी है, सेल साइकिल से भी है, एवोल्यूशन से रिलेटेड भी चीज़ें हैं, इकोसिस्टम से हैं, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह जो है हम साथ साथ जब चलेंगे तो पढ़ते रहेंगे वन बाय वन। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब हमने इसको बाकायदा तौर पर कब स्टार्ट, तो हम अभी ये तो था एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर इंट्रोडक्शन था, उसके हवाले से बताना था आपको, मोबिलाइज करना था आपको, अलर्ट करना था कि अब आप तैयार हो जाएं, अपनी बुक्स वगैरह इकट्ठी कर लें, अपनी रजिस्टर बुक्स मटेरियल जो भी रिलेटेड टू स्टडी वो अपना जो है वो इकट्ठा कर लें, अपना माइंड बना लें, माइंड सेट कर लें, अपने जो दोस्त हैं जो फेलोज हैं उनको बताएं कि जनाब हमारी क्लासेस जो है ब्रेन अकेडमी स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है, तो इस हवाले से आप खुद भी प्रिपेयर हों और अपने जो
फ्रेंड्स हैं, क्लास फेलोज हैं, उनको भी प्रिपेयर करें, या कॉलेज फेलोज हैं जो अभी तक सोए हुए हैं जिनको पता नहीं है, उनको जगाएं और इसके ऊपर जो है वो। अच्छा, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मंडे से इंशाल्लाह हमारा प्लान ये है कि नेक्स्ट वीक यानी मंडे से हम बाकायदा तौर पर जो है वो स्टार्ट करें लेक्चर्स। इसमें जो बायोलॉजी है वो इंशाल्लाह हमारा वेंसडे और सैटरडे जो है वो दो लेक्चर होंगे और 11 से 1 बजे तक। इसमें 1 घंटे का लेक्चर होगा और उसके बाद हम आपको असाइनमेंट देंगे और अगले घंटे में फिर वो असाइनमेंट MCQs टाइप क्वेश्चन होंगे या जो मटेरियल होगा रिलेटेड टू प्रिपरेशन वो आपसे करवाया जाए। अच्छा, अब इसमें ये करना ये है कि आप जो है वो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर अश्विन गिलबर्ट साहब उससे रब्ता करें, वो आप आ जाएं या पेरेंट्स आ जाएं, ठीक है, उनसे मजीद अगर कोई आप इंक्वायरी करना चाह रहे हैं या कुछ पूछना चाह रहे हैं या कन्फ्यूज हैं तो वो जो है वो आप उनसे गाइडलाइन ले सकते हैं, उनसे कर सकते हैं। तो आप जो है जल्दी जल्दी, चूँकि हमारे पास ये है कि हम ये जो है जूम मीटिंग के जरिए करने जा रहे हैं, इसमें हमने ज़्यादा स्टूडेंट नहीं रखना, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट अगर इसमें हम लेते हैं तो उससे वो हमारे सिस्टम के ऊपर लोड पड़ता है और बैठ जाएगा। हमने सिर्फ और सिर्फ 100 स्टूडेंट लेने हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। और हम चाह रहे हैं कि वो स्टूडेंट हैं जो ब्रिलियंट हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो टॉपर हैं, वो आए ताकि उनका, चूँकि फ्यूचर तो नहीं जाए, उन्हें आगे जाना है, हम ज़्यादातर उनके बारे में फिक्रमंद हैं। तो अब आपके लिए है कि जितनी जल्दी आप आएंगे, जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उतना आपका फायदा होगा, क्योंकि जब हम 100 तक पहुंचेंगे उसके बाद हमें रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑफ कर देनी है, बंद कर देनी है। इसलिए जनाब आप जो है कोशिश करें कि मंडे तक रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि आपको प्रॉपर कोड दिया जाए ताकि आप क्लासेस जो है वो ज्वाइन कर सकें। तो आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं अश्विन से, विजिट भी कर सकते हैं, और आप आ जाएँ, पेरेंट्स आ जाएँ, मजीद जो है वो आप इंफॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। इंशाल्लाह जो है वो मिलेंगे इंशाल्लाह वेंसडे को। अल्लाह हाफिज़।